সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গেমিং রাজ ইউটিউব চ্যানেলে আরো একটি ফ্রেশ অ্যান্ড এক্সাইটিং একটি নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমি কথা বলতে চলেছি অমিত ভাই, আমাদের ইন্ডিয়ান ইউটিউবার। তোমরা জানোই দেশি গেমার অমিত ভাই আজকে রিয়াকশন নিয়েছে তোমার ফ্রি ফায়ার ব্যান্ড হয়ে গেলে আরও বড় বড় ইন্ডিয়ান ইউটিউবাররা কী করবে। তো তার আগে বলতে চাই যে আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন এসেছে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে একদমই ভুলো না। তো বন্ধুরা চলো। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने अपने कुछ दोस्त यूट्यूबर को पूछा है, पांच छह यूट्यूबर को पूछा है कि अगर फ्री फायर बैन हो जाए तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैंने कितने सारे यूट्यूबर्स के साथ पूछा है तो और उनका रिएक्शन क्या होगा अगर फ्री फायर इंडिया में बैन हो जाए तो। रोमी भाई, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप पूछिए। व्हाट इफ फ्री फायर बैन इन इंडिया, आपका रिएक्शन क्या होगा? कि मतलब अगर बैन हो गया तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपका जो आप जो सोचते हो वो चीज आपको बताना है। भाई बहुत ज्यादा बुरा लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी गेम से शुरुआत करी हमने, मेरा करियर ही इस गेम पे डिपेंड हो रखा है अभी इस वक्त तो, क्योंकि स्टडीज के साथ मैं ये गेम मतलब अपनी अर्निंग के लिए ये गेम ही खेल रहे हैं हम यूट्यूब पे। और अगर यही गेम बंद हो जाएगा तो हम क्या मतलब क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आगे? अभी तो और कोई गेम में हमने कभी शिफ्ट ही नहीं करा, ना ऑडियंस को कोई और गेम पसंद है हमारी। बट ये है कि हाँ, एक बार को हम जो ऑडियंस हमें खुद से दिल से पसंद करती है, हमारे गेम प्ले को पसंद नहीं करती, उसको हम कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर फ्री फायर बैन हुआ तो ये तो बहुत सदमे वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। तो दुआओं में याद रखना, अच्छा चलता हूँ, सब बंद, यूट्यूब बंद मेरा, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। अरे सर जी, तो और बहुत सारे गेम है, दूसरे खेल लेंगे, चिल मारना। आपका रिएक्शन एज ए क्रिएटर, आपको मतलब आपका पर्सनल एज ए क्रिएटर, मैं ये कहना चाहूंगा अगर फ्री फायर बैन हो जाता है इंडिया में तो गाइस और भी बहुत सारे गेम है, अपन को सिर्फ अपन को एंजॉय करने के लिए अपन गेम खेलते हैं, ना कि अपन उसको एडिक्ट बन जाते हैं गेम के, समझ रहे हो? कि अपन को यही खेलना है, अपन को गेम खेलना है, ठीक है? अपन को अपनी लाइफ में कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए तो अपन कोई भी गेम खेल के कर लेंगे, ये चला गया तो वो दूसरे गेम आ जाएंगे उससे इंटरटेन हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इस बात की टेंशन मेरे माइंड में तो है नहीं कि अगर बैन हो जाता तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे गेम आ जाएंगे, दूसरे खेल लेंगे। मैं तो पहले सोचूंगा कि YouTube पे क्या वीडियो छोड़ूं। सारे वीडियोस फ्री फायर के हैं। और कोई मतलब क्या क्या प्रॉब्लम तेरे को फेस करना पड़ेगा? क्या क्या प्रॉब्लम बोले, पहले तो फ्री फायर बंद हो जाए तो भाई यहाँ पर क्या बोले मैं क्या बोलूं, मैं वही सोच रहा हूँ। मैं तेरा पूरा करियर सेट ना फ्री फायर के ऊपर अभी तो, लाइक रोड पे करूंगा, रोड पे आ गया बोले नहीं हुई, उसके बाद दूसरा गेम पे क्या हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो सकते, दूसरा गेम करना पड़ेगा। नहीं मतलब ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्ट काफी कर रखे हैं, बट फिर भी अगर बैन होता है तो यही है, अब गवर्नमेंट का जो फैसला रहेगा वही फाइनल है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती है लाइक एज अ क्रिएटर? एज अ क्रिएटर यही है कि कंटेंट की कमी हो जाएगी, फिर हम फ्री फायर वीडियोज हम लोग डालते हैं तो फ्री फायर की वीडियोज तो नहीं डाल पाएंगे, बट देखते हैं, बहुत सारे गेम्स है, सब ट्राई कर सकते हैं। फ्री फायर अगर बैन होता है इनके, जो आई थिंक सो नहीं होगा, बट इनके अगर होता है तो कुछ और गेम ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार देखो, पहले तो अमित भाई इसको मैं गेम मानता ही नहीं, ठीक है? मेरे लिए तो इट्स लाइक अ इमोशन, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत टाइम हो गया हम इस गेम को खेल रहे हैं, तो अभी ऐसा हो गया कि अगर ये बैन हो जाता है ना तो एक पल के लिए तो रोना आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये ना इमोशन बन गया हमारे लिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है इस गेम में। आप देखो हम ई स्पोर्ट के लिए कितना खेलते हैं और सारे कहीं कहीं से मिलके हम आके एक जगह हुए हैं इकट्ठे, जहां पर हम सिर्फ इस गेम के लिए, ताकि हम ई स्पोर्ट में आगे जाएं। तो अगर ये बैन हो जाता है तो देखो इसमें सरकार का भी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, अगर हाँ गेम सिक्योरिटी जो भी है, देखिए सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो देखो अच्छे के लिए लेगी,
लेकिन फॉर मी इट्स नॉट अ गेम, मेरे लिए गेम नहीं है, मेरे लिए तो जस्ट ये इमोशन है, मतलब ये नहीं है का, तो ऐसा होगा कि लाइक होता है ना आपसे कोई चीज छीन ली, तो वो वाला सीन होगा मेरे साथ अगर फ्री फायर बैन हो जाता है। मैं सोच रहा भाई गया क्या गया व्हाट, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं होगा, मतलब एक वो रहेगा कि अब क्या करूं। एज अ गेमर या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर? नहीं एज अ गेमर, कंटेंट तो मैं चाहे जोन से गेम में को बना सकता हूँ। देखो थोड़ा सा बुरा लगेगा बट इतना भी नहीं लगेगा, मतलब हाँ जो लगता है थोड़ा नॉर्मल एक बंदे को लगता है जिसने फ्री फायर खेला उतना बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लगेगा। नहीं, बाकी एज अ क्रिएटर, एज अ क्रिएटर क्रिएट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी गेम में खेलेगा यार, वैसे भी अपनी जो ऑडियंस है कई बार दूसरी गेम खेलने नहीं देती, फ्री फायर बोलती रहती है, तो मैं तो चाहता हूँ थोड़ा फ्री फायर इधर उधर तीन चार दिन के लिए चला जाए ना, तो मैं दूसरी गेम खेल सकता हूँ। लाइक मैंने नाम टोटल गेमिंग रखा हुआ है बट ऑडियंस ने स्टक करके रखा है मेरे को, सभी लोगों ने कि अज्जू भाई आपको फ्री फायर ही खेलना है। अब उनकी साइड से बहुत ज्यादा प्यार है बट मैं कहीं ना कहीं पे स्टक होके मतलब वो रह गया हूँ, तो हाँ मैं दूसरी गेम बहुत सारी खेलना चाहता हूँ तो मेरे को मौका मिलेगा, बट बैन नहीं होना चाहिए, 7-8 दिन के लिए चलना। नहीं बैन होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला बस आपकी राय जानना चाहता हूँ अगर बैन हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी है जो लोग ना बोलते हैं कि वो फुल्ली फ्री फायर के ऊपर डिपेंडेड है, तो उनके लिए बहुत बुरी बात है, बट मेरे लिए सर जी देखो थोड़ा बुरा भी लगेगा बट बुरा तो लगेगा यार, सिंपल सी बात यार, 1-1.5 साल से एक ही गेम खेल रहे हैं, बट थोड़ा वो भी लगेगा कि चलो यार दूसरी गेम खेल लेते, बट इतना भी ज्यादा वो नहीं होगा जितना होना चाहिए, ये सीन है। সো ইয়াস গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওটি, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে একদমই ভুলো না। তো বন্ধুরা প্লিজ ইয়াস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, তোমাদের জন্য বহুত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তো বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাবস্ক্রাইব hey there কিছু লাগে না, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন।